हिसाब किताब है कि वाटर जो आता है फॉरेस्ट के आसपास, कितने प्यारे कॉन्सेप्ट में दिखाया ना, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट रेजिडेंस इंस्टीट्यूट। यस, और अभी हम जाएंगे थोड़ा अंदर। यहाँ पे दस दस रुपए की टिकट है। अगर आप लोग कैमरा लाएंगे साथ में तो कैमरे की अलग चार्जेस है। तो अब हमने टिकट ले लिए, जस्ट अभी लेने गए हुए हैं, और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। आगे एक एरो आ रहा है जिसमें लिखा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स एंड ट्री प्रोपेगेशन एंड सेंट्रल नर्सरी। तो हम अब इस तरफ जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं वो भी। सो एक्चुअली ये बिल्डिंग ना देखने में ऐसी दिख रही है, बहुत सुंदर है। ये है सबसे बढ़िया तरीका। गाइस, यहाँ पर एंट्री के टाइम पे ही 10-10 रुपए के चार्जेस थे और पार्किंग चार्जेस अलग है। उसके बाद हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे 30-30 रुपए के चार्जेस अलग दिए जाएंगे, और बच्चों का यहाँ पे फ्री होगा। लेकिन एंट्री के टाइम पे जो मेन गेट है वहाँ पे बच्चों के 10-10 रुपए जरूर लगे थे, लेकिन यहाँ पे जो 30-30 रुपए बड़ों के हैं, बच्चों के नहीं है। हमने टिकट ले लिए, हम तीन बड़े बड़े लोग हैं तो 30-30 की है, और बच्चे 5 साल से छोटे हमारे फ्री हैं, और तीन बच्चे हमारे फ्री में आ गए हैं। जनरली जब प्लास्टर होता है ना तो वाइट, ये ब्राउन ब्राउन सा होता है, और ये हम वाइट फीलिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है ये कंसेप्ट दूर से देखने में। सो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम में फ़ोटो ना खींचे ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। बैग, छाता, खाने की वस्तुएं, छड़ी, ये चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी, और प्रदर्शनी सामग्री को ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल ड्राई डेडिक, अच्छा फिर वेट एवरग्रीन, ये वाले हैं। ओके, नंबर 6 को दबाएंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, वो वाले हैं राजस्थान, गुजरात, ये वाले हैं। अभी रुक,
लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। हाँ बहुत अच्छा है ये सिस्टम ना। और ये ब्लू करके आई थिंक ये वाटर का हिसाब किताब है कि वाटर जो आता है फॉरेस्ट के आसपास। कितने प्यारे कॉन्सेप्ट में दिखाया ना, जहाँ पर ग्रीन है वहाँ ग्रीन, जहाँ पे वाइट है वहाँ पे वाइट, और जहाँ पे ब्राउन है ब्राउन और ग्रीन, और वाटर का इन्होंने ब्लू लाइट से मार्क कर दिया। चलो बेटो चलो आगे 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 चलो। मेरे बैक साइड में है ये पत्थर। पत्थर भी कितने तरह के, चट्टानों के नमूने, रॉक सैंपल्स, कितने तरीके होते हैं कि कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे वुड स्टाइल में है। तो मतलब मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि इतने तरह के होंगे। और संगमरमर आपको दिखाते हैं कितने तरह के रॉक्स हैं हमारे इंडिया में और नेचर में। एक चीज़ है ना कि नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं और नेचुरल भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। एटलीस्ट यहाँ पर आकर के ज़्यादा हमें रियलाइज़ हो रहा है। पता मैं तुझे ज़बरदस्ती लाई हूँ, मुझे ये तो पता है तुझे लग कैसा रहा है यहाँ पे आके। कंपैरेटिवली अगर म्यूज़ियम की बात करूँ तो म्यूज़ियम में काफ़ी सारी नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो काफ़ी काम की है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। बट अबव ऑल सबसे ज़्यादा मुझे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पसंद आया। 1906 में भी ये बिल्डिंग बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, और उस टाइम पर भी देखो किस कॉन्सेप्ट से ये इन लोगों ने बनाई। इतना प्यारा व्यू है इस बिल्डिंग का, इतने प्यारे तरीके से बनाई है, और कितना अभी तक बिल्डिंग बिल्कुल एज इट इज़ है और इतनी सुंदर लग रही है। ठीक है कि वो मेंटेन भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। ठीक है चलो बच्चों, अब हम चलते हैं कौन से वाले म्यूजियम, टिम्बर म्यूजियम। नहीं टिम्बर म्यूजियम, टिम्बर म्यूजियम मतलब हमारा सिर्फ लास्ट म्यूजियम है थर्ड म्यूजियम, और ये प्रकाश संग्रहालय। लेकिन ये गाइस अगर मुझसे पूछेंगे टिम्बर और प्रकाश में क्या क्या होता है आई डोंट नो, वो मैं आगे अंदर चल के दिखाती हूँ। बहुत सारे यहाँ पे भी हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आई कांट कंट्रोल किसी कुछ कुछ चीज़ों के लिए। कितना सुंदर बना हुआ है ये।
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बिल्डिंग को मेंटेन किया हुआ जिस तरीके से और जिस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है बहुत प्यारी लग रही है। और गाइज मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो भी देहरादून घूमने आ रहे हैं तो इस बिल्डिंग में ज़रूर घूम करके जाना। बाय।